हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे कैनाल डिजाइन के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिजिम चैनल के बारे में। तो कैनेडी ने और लेसी ने रिजिम चैनल के बारे में अपने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंट पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इनिशियल रिजिम के बारे में, फाइनल रिजिम के बारे में और ट्री रिजिम के बारे में। साथ के साथ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिल्टिंग क्या होती है, स्कोरिंग क्या होती है और CVR यानी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जैसे टॉपिक पर, और जो भी पॉइंट हमारे कंपटीशन के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सब पॉइंट पर भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिजिम और सिल्टिंग, स्कोरिंग और CVR जैसे टॉपिक पर। तो देखें, अगर हम बात करें कैनाल डिजाइन की, तो कैनाल डिजाइन अगर हम देखें तो हमें कोई भी कैनाल डिजाइन कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन करे, यानी अपने पूरी तरीके से जो अपना उसका कार्य है वो कार्य करे, तो उसके लिए जरूरी है कि उस कैनाल में ना तो हमारी सिल्टिंग होनी चाहिए ना ही उसके अंदर स्कोरिंग होनी चाहिए। यानी यहां पर लिखा हुआ है देखें कि किसी कैनाल को डिजाइन करने के लिए जो कि प्रॉपर फंक्शन करे उसके लिए आवश्यक है कि कैनाल में ना तो फर्स्ट नंबर कैनाल में जरूरी है कि उस कैनाल में ना तो सिल्टिंग होनी चाहिए एंड सेकंड पॉइंट ना ही उसके अंदर स्कोरिंग होनी चाहिए। तो यानी अगर आप एक कैनाल डिजाइन करना चाहते हैं और उसके अंदर वो प्रॉपर फंक्शन अपना करती रहे, अपनी पूरी तरीके से अपना कार्य करती रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि उस कैनाल में ना तो सिल्टिंग होनी चाहिए ना ही उसके अंदर स्कोरिंग होनी चाहिए। अब बात आती है यहां पर कि सिल्टिंग और स्कोरिंग क्या है, यानी हम सिल्टिंग से और स्कोरिंग से हम क्या समझते हैं, तो उसके लिए देखें जरा। आप देखें यहां पर हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, यहां पर इस कैनाल में अगर हम देखें पानी हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, इस कैनाल में पानी का फ्लो हमारा किसी एक डायरेक्शन में हो रहा होगा तो किसी ना किसी एक वेलोसिटी के साथ ही हो रहा होगा। तो अगर हम बात करें इस कैनाल में जो हमारी पानी की फ्लो वेलोसिटी है, जो पानी की मीन वेलोसिटी है, अगर मीन वेलोसिटी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाती है, यानी हम ये कहेंगे इन केस ऑफ मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल, यानी कि अगर नहर में पानी की जो वेलोसिटी है, जो पानी का वेग है, वो अगर हमारा कम है किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो उस केस में हम होगा क्या, कम वेलोसिटी होने की वजह से आप जानते हैं कि कैनाल में हमारे क्या होंगे, सिल्ट पार्टिकल भी होंगे। तो देखें जरा यहां पर, ये सपोज कीजिए ब्लू कलर के मैं बना रहा हूं, वो क्या है हमारे सिल्ट पार्टिकल है, और धीरे धीरे ये सिल्ट पार्टिकल क्या होंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे, यानी तली पर बैठने लग जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से तली पर या साइडों में हमारा क्या हो, सिल्ट पार्टिकल्स का बैठना ही हमारा क्या कहलाता है, सिल्टिंग कहलाता है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारी जो मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल है वो कम है क्रिटिकल वेलोसिटी से। तो यानी हम पहली बार में ये हम समझे कि क्रिटिकल सिल्टिंग से हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी कैनाल में हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी पानी की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर पानी हमारी कैनाल में जो उसकी मीन वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर कम है, तो कम वेलोसिटी होने की वजह से जो सिल्ट के पार्टिकल हैं, जो हमारे सिल्ट के कण हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, तली पर बेड पर, यानी कैनाल का जो हमारा बेड है, जो साइड है, उस पर बैठने लग जाएंगे, सेडिमेंट होने लग जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को, यानी इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम सिल्टिंग के नाम से जानते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा, एग्जांपल के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में भी क्या होता है, हम पानी की वेलोसिटी को कम कर देते हैं, जिससे सिल्ट के पार्टिकल धीरे धीरे तली में हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं। तो वही प्रोसेस हम यहां पर भी कह रहे हैं कि जब हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए कैनाल में वो ना होकर उससे अगर कम वेलोसिटी, यानी मीन वेलोसिटी अगर कम है, तो उस केस में सिल्ट के पार्टिकल धीरे धीरे तली पर बैठने लग जाएंगे, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिल्टिंग के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, तो इसको क्या लिखेंगे, देखें जरा इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे वो हमारी कैनेडी की हो, चाहे हमारी लेसी की हो, थ्योरी हमारी सारी यहीं से, यही उस थ्योरी का बेसिक लेक्चर है, और ये लेक्चर हमें अच्छी तरीके से क्लियर होना जरूरी है। तो देखें इसको हम क्या लिखेंगे कि जब पानी, जब नहर में, यानी कि जब कैनाल में आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, जब कैनाल में पानी की वेलोसिटी, पानी की मीन वेलोसिटी को, पानी की वेलोसिटी, मैं यहाँ पर वेलोसिटी लिख रहा हूँ, जब कैनाल पानी की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, कम होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, तब कम वेलोसिटी होने के कारण, कम वेलोसिटी होने के कारण, होने के कारण क्या होगा, हमारे सिल्ट पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल तली पर, यानी कि बेड पर, कैनाल बेड पर क्या होंगे,
बैठने लगते हैं, यानी सेडिमेंट होने लगते हैं, बैठने लगते हैं। बैठने लगते को क्या लिख सकते हैं आप, बैठने लगते हैं यानी कि सेडिमेंट होने लगते हैं, सेडिमेंट होने लगते हैं, होने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सिल्टिंग के नाम से जानते हैं, सिल्टिंग कहलाता है ये, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सिल्टिंग कहलाता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा, सिल्टिंग कहलाता है। तो हमने एक चीज सीखी कि हम सिल्टिंग किसे कहेंगे। अब बात करते हैं स्कोरिंग के बारे में। तो स्कोरिंग हमारी बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब पानी, जब कैनाल में हमारी जो मीन वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल, यानी जब हमारी नहर में जो मीन वेलोसिटी है, यही हमारा क्या है, यहां पर पानी हमारा ये, कैनाल में हमारी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से भी ज्यादा है, यानी कैनाल में जो हमारी मीन वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो एंड ज्यादा वेलोसिटी की वजह से हमारी जो साइडों से क्या होगा, जो साइडों से हमारा ये जो चैनल है वो हमारा क्या होगा, उसकी शेप हमारी डिफॉर्म होने लगेगी। क्यों, ड्यू टू इरोजन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की क्या होने लगी, कटाई होने लगेगी, सॉइल कटने लगेगी साइड से और चैनल की हमारी जो शेप होगी वो कैसी होगी, हमारी बिगड़ जाएगी। तो इस क्रिया को, यानी कि चैनल की साइड और तली में सॉइल इरोजन को, क्यों, ड्यू टू हाई वेलोसिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि कैनाल में, जब कैनाल में, जब कैनाल में, किस तरीके से लिखेंगे आप, इस तरह से लिखते हैं, व्हेन द मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन कैनाल, तब उस केस में हम क्या कहेंगे, जब कैनाल में पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, जब पानी की वेलोसिटी किससे ज्यादा होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से, जब पानी की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, तब सिल्ट पार्टिकल्स, तब ये कहें सो, तब वाटर एंड सिल्ट पार्टिकल्स कैनाल की बेड और साइड, बेड और साइड, कैनाल की बेड मतलब, बेड मतलब ये हमारा बेड है, ये हमारी क्या है, साइड्स हैं ये वाली, तो बेड और साइड्स में सॉइल इरोजन होता है, यानी सॉइल इरोजन, इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, जिसके कारण हमारी, जिसके कारण क्रॉस सेक्शन की शेप चेंज होती है, क्रॉस सेक्शन की शेप चेंज होती है, क्रॉस सेक्शन की शेप चेंज होती है, शेप चेंज इसमें भी होगी लेकिन यहां पर हमारी क्या होगी, कटाई के द्वारा चेंज होगी, चेंज होती है, चेंज होती है। और इस तरह से सॉइल का कटना ही हमारा क्या कहलाता है, इस तरह सॉइल का इरोजन ही हमारा क्या कहलाता है, स्कोरिंग के नाम से हम उसे जानते हैं। अब बात करते हैं कि, अब देखें यहां पर दो वर्ड आपको लगातार कॉमन देखने को मिले, यानी सिल्टिंग के बारे में हमने बात कर ली और स्कोरिंग के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। तो देखें जरा यहां पर, अगर हमने बात करें, हमने सिल्टिंग के बारे में बात की और स्कोरिंग के बारे में बात करी, अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर ही अगर वेलोसिटी हमारी कैनाल में होगी तो उसमें, उसके केस में हमारी ना तो उसके अंदर सिल्टिंग होगी ना ही उसके अंदर स्कोरिंग होगी, यानी ना तो हमारे सिल्ट पार्टिकल तली पर बैठेंगे और ना ही हमारी जो ज्यादा वेलोसिटी वजह से हमारी साइड या बेड हमारी कटाई होगी, यानी सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा। तो वो वेलोसिटी जिस पर ना तो सिल्टिंग होती है ना ही स्कोरिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि ना तो हमारे पार्टिकल सेडिमेंट होते हैं तली पर बैठते हैं, ना साइड पर बैठते हैं, और ना ही उसका क्रॉस सेक्शन में कोई सॉइल का इरोजन होता है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि सिल्टिंग क्या है, स्कोरिंग क्या है और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी नहर में पानी में एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे ना तो हमारी सिल्टिंग होगी ना ही स्कोरिंग होगी। अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो पर, क्या क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। देखें क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ मीन वेलोसिटी एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि CVR, CVR का मतलब है यहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो देखें क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है हमारा, मीन वेलोसिटी इन कैनाल, मीन वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी इन कैनाल, मीन वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी इन कैनाल,
मीन वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी इन कैनाल, यानी कि हम ये बात करेंगे सीवीआर क्या है। सीवीआर इज द रेशियो ऑफ मीन वेलोसिटी इन कैनाल टू क्रिटिकल वेलोसिटी इन कैनाल, यानी कि नहर में मीन वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सीवीआर के नाम से जानते हैं। अब देखें यहां पर इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एम की वैल्यू अगर हमारी एक से ज्यादा होगी, यानी एम की वैल्यू एक से ज्यादा है, यानी एम की वैल्यू अगर आप एक से ज्यादा कर देंगे तो आप ये क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि एक से वैल्यू, यानी ये वैल्यू एक से ज्यादा तभी आ सकती है जब हमारी क्या हो, मीन वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। तो मीन वेलोसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से, तभी हमारी एक से ज्यादा हो सकती है। तो अब देखो मीन वेलोसिटी अगर हमारी ज्यादा होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से तो क्या होगा, उसके अंदर स्कोरिंग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब उस कैनाल में क्या होगा, स्कोरिंग होगी। तो कैनाल में यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कैनाल में स्कोरिंग होगी कब, जब हमारी मीन वेलोसिटी स्कोरिंग होगी, जब m की वैल्यू हमारी किससे ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इफ द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1, यानी अगर हमारी जो m की वैल्यू है अगर वो एक से कम होती है, तो एक से कम कब होगी, जब मीन वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी से, और मीन वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो उस केस में क्या होता है, हमारा सिल्टिंग होती है। तो हम लिखेंगे कैनाल में क्या होगा, हमारा कैनाल में सिल्टिंग क्रिया होती है, क्या होगी हमारी, सिल्टिंग होगी, यानी सिल्टिंग अकर्स इन कैनाल इफ द सीवीआर वैल्यू इज लेस देन 1। अब अगर हम बात करें, अभी हमने कहा कि ऐसी कैनाल हम चाहते हैं, हमने क्या बताया कि ऐसी कैनाल डिजाइन करना चाहते हैं जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए जरूरी है कि कैनाल में ना तो सिल्टिंग होनी चाहिए ना ही स्कोरिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी ये भी है कि कैनाल में मीन वेलोसिटी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो हमारे एम की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो थर्ड पॉइंट आप देखें, इफ द वैल्यू ऑफ एम, यानी इफ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1, देन कैनाल में नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि ना तो कैनाल में सिल्टिंग होगी ना ही स्कोरिंग होगी, यानी कैनाल में ना तो सिल्टिंग होगी ना ही स्कोरिंग होगी। तो ऐसी तो कैनाल डिजाइन करना चाहते हैं हम। तो ये तो हो गई हमारी बात, तीन टॉपिक पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, किस किस पर हमने डिस्कस किया कि एक तो हमने डिस्कस किया सिल्टिंग के पर, और दूसरा हमने डिस्कस किया स्कोरिंग पर, और तीसरा हमने डिस्कस किया सीवीआर यानी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो पर हमने डिस्कस किया, और उसके तीन स्टेटमेंट हमने यहां पर देखे जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इन तीनों के बाद, अब हम बात करते हैं, तो देखें अभी हमने कहा कि रिजिम चैनल के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो रिजिम चैनल की अगर हम बात करें तो रिजिम चैनल की, यानी देखो जब कैनाल डिजाइन करते हैं तो हमारे पास दो थ्योरीज हैं, कौन कौन सी, एक तो कैनेडी थ्योरी और एक है हमारी लेसीज थ्योरी। तो सबसे पहले कैनेडी ने वर्क किया और उसके बाद में कैनेडी की थ्योरी को उसको अध्ययन किया और उसमें से कुछ कमियां निकाली और लेसी ने कुछ अपने स्टेटमेंट दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैनेडी ने क्या बोला था रिजिम चैनल के बारे में, यानी हम डिस्कस करें कि रिजिम चैनल किसे कहते हैं। तो कैनेडी ने बताया, कैनेडी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि रिजिम चैनल उस चैनल को कहते हैं जिसमें ना तो सिल्टिंग होती है और ना ही स्कोरिंग होती है। तो यहां पर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कैनेडी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रिजिम चैनल के बारे में, कि रिजिम चैनल किसे कहते हैं। तो देखें कैनेडी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यदि किसी चैनल में ना तो सिल्टिंग, यानी नाइदर सिल्टिंग, इसे आप क्या लिखेंगे, ना तो को नाइदर एंड और ना ही स्कोरिंग, और ना ही स्कोरिंग, यानी यदि किसी चैनल में नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, यानी किसी चैनल में अगर ना तो सिल्टिंग होती है और ना ही स्कोरिंग होती है, तब वह चैनल रिजिम में होगी। यानी कैनेडी ने अपना स्टेटमेंट दिया रिजिम चैनल के बारे में कि यदि किसी चैनल में
क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो का मान एक हो जाए, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं यदि किसी चैनल में हमारी जो ना तो उसके अंदर सिल्टिंग हो ना ही स्कोरिंग हो, तो उस चैनल को रिजिम में कहा किसने, कैनेडी ने। तो कैनेडी ने अपनी थ्योरी का स्टेटमेंट दिया कि यदि किसी चैनल में ना तो सिल्टिंग होती है ना स्कोरिंग होती है, वो चैनल ही हमारी क्या कहलाती है, रिजिम चैनल कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें कैनेडी के बाद लेसी की, तो कैनेडी के बाद लेसी ने क्या किया, इसके जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए थे, जो इन्होंने खोज की उस पर अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद लेसी ने कैनेडी की थ्योरी में कुछ अपने ड्रॉबैक्स निकाले, कुछ कमियां निकाली और अपना स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया कि कोई भी चैनल जिसमें सिल्टिंग ना हो रही हो और ना ही स्कोरिंग हो रही हो, जरूरी नहीं है कि वो रिजिम में हो। ध्यान सुने कि लेसी ने क्या बताया, लेसी ने इनकी थ्योरी को अध्ययन किया, पढ़ा और उसके बाद उसकी कुछ कमियों को निकाला और बोला कि यदि किसी चैनल में ना तो सिल्टिंग हो रही हो ना ही स्कोरिंग हो रही हो, तब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चैनल हमारी क्या हो, रिजिम में हो। तो इन्होंने क्या बताया, उसके आधार पर इन्होंने रिजाइम की 3 कंडीशन डिफाइन की, यानी इन्होंने अपने स्टेटमेंट बताया कि रिजिम चैनल की, रिजिम की 3 स्टेट हो सकती हैं, इनिशियल रिजिम, फाइनल रिजिम एंड ट्रू रिजिम। तो देखें जरा, अकॉर्डिंग टू लेसी अगर हम बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे कि लेसी ने बताया, यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेसी ने बताया कि यदि किसी चैनल में नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग, यानी कि यदि किसी चैनल में ना तो सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है, तब भी यह जरूरी नहीं है कि चैनल रिजिम में हो। ध्यान से समझेंगे इसको। देखें, इन्होंने बताया, यानी लेसी ने बताया कि अगर कैनेडी ने जो बोला है कि यदि किसी चैनल ना तो सिल्टिंग हो रही हो ना स्कोरिंग हो रही हो, तो वो चैनल रिजिम में होगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी चैनल में ना सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वो चैनल हमारी कैसी हो, रिजिम में हो। तो उसके लिए इन्होंने बताया रिजिम की 3 कंडीशंस उन्होंने डिफाइन की, सबसे पहले इनिशियल रिजिम, फिर फाइनल रिजिम, फिर ट्रू रिजिम। अब इनिशियल रिजिम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, उसके लिए हम बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि देखें, यहां पर आप देखें एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम में ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ये कैनाल का बेड है। ध्यान देंगे जरा, ये क्या है, हमारा कैनाल का बेड है। यहां पर हम इसको क्या लिख दें, बेड ऑफ कैनाल, ये कैनाल का हमारा बेड ऑफ कैनाल है, क्लियर। दूसरा, ये जो हमारा है ये है हमारी विड्थ ऑफ कैनाल, यानी विड्थ ऑफ बेड। तो देखें, हमने क्या, आप देख रहे हैं कि इसमें ये हमारा क्या है, साइड स्लोप है, ये कैनाल का क्या है, हमारी साइड है, ये कैनाल की हमारी क्या है, साइड्स, यानी किसके साइड्स हैं। तो ये हमारी साइड हो गई, ये ब्लू कलर का क्या है हमारा, इसका बेड है, इसकी तली है, और हमारी कैनाल कंटिन्यू इस तरीके से है, लेकिन इसकी जो फ्लो डायरेक्शन है वो पानी हमारा इस किनारे से इस किनारे की तरफ, यानी फ्लो डायरेक्शन कैसे हमारी, फ्लो डायरेक्शन हमारा इस तरीके से इसके अंदर है। यानी इनिशियल रिजिम को समझने के लिए इस डायग्राम को आप देखिए। तो इनिशियल रिजिम में क्या बताया गया कि इनिशियल रिजिम बेड स्लोप, देखें इनिशियल रिजिम में क्या बताया कि बेड स्लोप इंक्रीज होता है। यानी कैनेडी ने क्या बताया कि इनिशियल, ध्यान समझना है इस पॉइंट को, क्योंकि देखें आगे की जितनी भी थ्योरी हम समझना चाहते हैं, जरूरी है कि हमें पहले बेसिक तो पता होने चाहिए, हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि किसने अपनी थ्योरी का बेस क्या माना था, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर जरूर पता होनी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें आपको एक एक लेक्चर को पूरा विदाउट स्किप करे देखना है, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो इसमें आप कुछ चीज़ें ऐसी भी स्किप कर सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो देखें, इनिशियल रिजिम की अगर हम बात करें तो इन इनिशियल रिजिम बेड स्लोप इंक्रीज, यानी कि बताया लेसी ने बताया कि इनिशियल रिजिम में जब चैनल की रिजिम की बात हो रही थी, तो इन्होंने बताया कि इनिशियल रिजिम में बेड स्लोप क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे और देखो, ड्यू टू दिस, तो यहां पर अगर हम बात करें
बेड स्लोप इंक्रीज होता है देन ड्यू टू दिस, अगर बेड स्लोप इंक्रीज होगा ड्यू टू डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीज, डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीज। अभी हम बात करेंगे कैसे डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीजेस, बट विड्थ ऑफ चैनल इज नो चेंजिंग इन विड्थ ऑफ चैनल, नो चेंज। यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया यहाँ पर कि इनिशियल रिज्म किसी चैनल की ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर बेड स्लोप इंक्रीज हो जाता है। कैसे अभी बताएंगे, बेड स्लोप इंक्रीज हो जाता है और इसके वजह से ड्यू टू दिस डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी हमारी जो पानी की जो गहराई है, जो चैनल की डेप्थ है, वो डेप्थ हमारी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इनिशियल रिज्म में नो चेंज इन विड्थ ऑफ चैनल, यानी चैनल की जो चौड़ाई है, जो हमारी स्मॉल विड्थ है, ये जो हमारी ये चौड़ाई हमने बी मान रखी है, वो चौड़ाई चेंज नहीं होती है। किसमें, किसमें, हमारे इनिशियल रिज्म में। तो इनिशियल रिज्म में दो बातें आपको याद रख, दो नहीं तीन बातें आपको याद रखनी है, क्या क्या, कि इन द इनिशियल रिज्म बेड स्लोप इज इंक्रीज, यानी बेड का जो स्लोप है, जो हमने तली में हम स्लोप देते हैं, वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और साथ के साथ डेप्थ भी इंक्रीज हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि बेड स्लोप इंक्रीज हो रहा है। आगे तीसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, बट विड्थ ऑफ चैनल इज नो चेंज, यानी कि चैनल की जो विड्थ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है इनिशियल रिज्म में। क्यों नहीं आती है, एक एक करके समझते हैं। रीजन मैंने यहां पर लिखा हुआ, कारण क्या है, यानी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा यहां पर, स्टेटमेंट नंबर वन एंड स्टेटमेंट नंबर टू का रीजन, कारण क्या है, तो समझेंगे जरा पहले, उसके बाद लिखेंगे। तो देखें, जब आप किसी भी सॉइल में, आप किसी भी जो हम एल्यूविन सॉइल में हम क्या करते हैं, जब हम कैनाल को बनाते हैं, तो उसके लिए हम एक स्मॉल विड्थ वाला एक चैनल हम क्या करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, बेड को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जब हम पानी को बहाते हैं, ध्यान सुनना है आपको, कि जब उसमें हम, ये हमारा के पास से कोई कैनाल है, हमने एक सॉइल में क्या किया, इस कैनाल को हमने खुदाई किया और एक्सक्यूबेट कर दिया, और ऐसी शेप हमने प्रोवाइड कर दी, और हमने एक बेड प्रोवाइड कर दिया, और बेड प्रोवाइड करने के बाद अगर हम पानी का फ्लो कराएं, तो फ्लो कराने के बाद क्या होगा, ध्यान सुनना, फ्लो कराने के बाद हम देख रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको कि हमारा फ्लो किधर से हो रहा है, इस दिशा से, इस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, फ्लो डायरेक्शन हमारा शो कर रहा है ये एरो। तो जब आप फ्लो करेंगे तो क्या होगा, यहां पर हमारे सिल्ट के पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, ध्यान समझना है, सिल्ट के पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, और सिल्ट के पार्टिकल क्या होगा, यहां पर तली पर बैठना स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारे हैवी सिल्ट पार्टिकल है वो लगातार बैठते हुए चले जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे आएंगे, वैसे वैसे सिल्ट के पार्टिकल की संख्या हमारी पानी में कम होती चली जाएगी। दोबारा सुनो कि जब पानी हमारा स्टार्टिंग में यहाँ से फ्लो हुआ, और फ्लो होते ही हमारे क्या होगा, सिल्ट के पार्टिकल सेडिमेंट होना स्टार्ट करते हैं, रिज्म में आने के लिए, रिज्म में आने के लिए, यानी चैनल की स्टेबिलिटी में आने के लिए क्या होगा, चैनल अपने आप को खुद ही स्टेबिलिटी में लाती है। तो सबसे पहला होता है इनिशियल रिज्म, सबसे पहले अपना इनिशियल रिज्म में आती है, तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारे सिल्ट पार्टिकल है वो तुरंत क्या होंगे, इस कैनाल में बैठते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आगे की तरफ हमारा फ्लो होता चला जाएगा, सिल्ट पार्टिकल की संख्या में कमी आती चली जाएगी। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, मैं ग्रीन मार्कर से दिखा रहा हूं, आप देखेंगे यहां पर कि हमारा जो बेड स्लोप है वो कुछ इस तरीके से आता हुआ हमारे नजर आएगा। ये जो ग्रीन मार्कर आप देख रहे हैं यहां पर, हमारा बेड स्लोप कैसा, ग्रीन मार्कर से देखा, ये इस तरीके से। तो अगर हम बात करें तो देखें, अगर आप बात करें यहां पर डेप्थ की, यहां पर आप देखें तो आप देखें जो हमारा डाउनवर्ड स्लोप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले हमारा कुछ इस तरीके से था, अब ऐसे इंक्रीज हो गया डाउनवर्ड स्लोप हमारा। तो जो डाउनवर्ड स्लोप इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज अगर होगा, तो अगर यहां पर हमारी डेप्थ इतनी है, तो यहां पर तो डेप्थ और ज्यादा हो गई होगी। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है कि तो जो डेप्थ है हमारी, के बेड स्लोप के इंक्रीज होने की वजह से, और इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स का सेडिमेंट हुआ, सिल्ट पार्टिकल का सेडिमेंटेशन हुआ, सिल्ट पार्टिकल तली पर बैठे उसकी वजह से, लेकिन आगे आते आते सिल्ट पार्टिकल्स कम होते गए, तो कम तली पर बैठते गए, लेकिन हमने जब देखा कि स्लोप हमारा इस तरीके से, हमें स्लोप देखने को मिला, तो बेड जो स्लोप है वो हमारा कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बेड स्लोप इंक्रीज ड्यू टू दिस डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीज, हमारी डेप्थ भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारी जो पानी की डेप्थ होगी वो कितनी होगी, ये इतनी होगी हमारी, ये वाली डेप्थ। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पार्टिकल ज़्यादा बैठ गए होंगे, आप ऐसे समझ लो कि पहले हमारे यहाँ पर
पार्टिकल, ये बैट हमारा इतना ऊंचा था पर पार्टिकल बैठ बैठ के इतनी ऊंचाई तक हमारे पार्टिकल्स आ गए तो डेप्थ हमारी सिर्फ इतनी रह गई, लेकिन हमारा ये स्लोप इस तरीके से इंक्रीज होता चला गया तो हमारी जो डेप्थ है वो डेप्थ भी हमारी क्या हो जाए, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसीलिए लिखा मैंने यहाँ पर कि इनिशियल रिजिम हमारी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इनिशियल रिजिम हमारी एक ऐसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है बैड स्लोप इंक्रीज होता है और बैड स्लोप इंक्रीज होने की वजह से डेप्थ इज ऑल्सो इंक्रीज एंड विड्थ ऑफ चैनल नो चेंजिंग इन विड्थ ऑफ चैनल, लेकिन चैनल की विड्थ में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब हमें यहाँ पर ये तो हमने रीजन समझ लिया, अब ये भी जान लो कि विड्थ ऑफ चैनल में क्यों चेंजिंग नहीं आ रही, क्योंकि जो हमारी साइड्स हैं तो यहाँ पर हम विड्थ क्यों चेंज नहीं आ रही इसका अगर हम बात करें, क्योंकि चैनल की साइड कोहेसिव है। कैसी है? कोहेसिव। चैनल की साइड कैसी है? कोहेसिव है। और वाटर के द्वारा होने वाले इरोजन को रसिस्ट करती है, यानी प्रतिरोध करती है। तो इसकी वजह से जब हमारी साइड की जो है, अभी हमने क्या बात की कि चैनल की साइड हमारी कोहेसिव है, उसमें कोहेसिव है, तो उस कोहेसिव होने की वजह से जो हमारे वाटर और जो सिल्ट पार्टिकल्स हैं जो उस पर अटैक करेंगे और सॉइल को इरोजन करेंगे, तो इरोजन की प्रति क्या रही हमारी, वो रसिस्ट करती है, उसका प्रतिरोध करती है। इस वजह से चैनल की चौड़ाई हमारी इनिशियल रिजिम में चेंज नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना, इनिशियल रिजिम की बात चल रही है अभी, तो इनिशियल रिजिम में चेंज नहीं होती है। ये सारे स्टेटमेंट दिए, इनके बारे में बताया, इनिशियल रिजिम के बारे में बताया कि लेसी ने कि इनिशियल रिजिम में ऐसा होता है। क्लियर? अब यहां पर हमने रीजन समझ चुके हैं, तो रीजन में यहां पर मैं लिख देता हूं कि जब पानी आप समझ तो गए, जब पानी हमारा चैनल में फ्लो होता है तब पार्टिकल्स बेड पर यानी तली पर बैठते हैं और बेड स्लोप इंक्रीज हो जाता है। कैसे? अभी बताया ना मैंने, इंक्रीज हो जाता है और डेप्थ वेरी कर जाती है, और डेप्थ वेरी करती है। ये हमने कुछ बातें इंपॉर्टेंट यहां पर पढ़ी। अब फाइनली अगर हम बात करें, फाइनल अगर हम डिसीजन पर पहुंचे कि इनिशियल रिजिम क्या है, तो देखें जरा यहां पर डिस्चार्ज, यहां पर हम बात करेंगे सिल्ट चार्ज कॉमा सिल्ट फैक्ट, सिल्ट चार्ज कॉमा सिल्ट ग्रेड कॉमा विड्थ ऑफ चैनल कॉमा डिस्चार्ज फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड डिस्चार्ज कैसे, यानी सब चीजें आर फिक्स्ड, यहां पर लगा देते हैं आर फिक्स्ड। ध्यान समझेंगे इसको। देखें मैंने क्या बताया कि इनिशियल रिजिम, फाइनल रिजल्ट पर हम क्या पहुंचे कि इनिशियल रिजिम में सिल्ट चार्ज, सिल्ट ग्रेड, विड्थ ऑफ चैनल और डिस्चार्ज फिक्स हो, लेकिन बट बेड स्लोप एंड डेप्थ ऑफ चैनल इंक्रीज, then this stability is known as initial rhythm। ध्यान समझेंगे इस बात को, फिर दोबारा समझो, मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बताया आपको कि इनिशियल रिजिम क्या है, इनिशियल रिजिम वो है जिसमें बेड स्लोप इंक्रीज होता है, डेप्थ भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन विड्थ ऑफ चैनल नो चेंज रहती है। फाइनल डिसीजन पर हम ये क्यों होता है इसको हमने समझा।
क्यों विड्थ चेंज नहीं हो रही है, क्यों बेड स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्यों डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट पर ये पहुंचे कि यदि किसी चैनल में सिल्ट फैक्टर, सिल्ट ग्रेड, डिस्चार्ज एंड विड्थ ऑफ चैनल आर फिक्स, यानी ये तो फिक्स रहते हैं लेकिन यानी कि लेकिन बेड स्लोप और डेप्थ ऑफ चैनल इंक्रीज, यानी हमारे जो बेड स्लोप है और जो डेप्थ है वो हमारी इंक्रीज होती है, देन दिस स्टेबिलिटी इज नोन एज, तब ये जो स्थायीपन हमारा कैनाल में आया है यही स्टेबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, इनिशियल रिज्म कहलाती है। अब आगे बात करें फाइनल रिज्म की। फाइनल रिज्म में अगर हम देखें तो क्या होता है, तो यहां पर देखें फाइनल रिज्म में अगर हम बात करें, आपको याद रखना है ये दोनों टर्म्स आपके लिए एक पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू, ये हमारे इनिशियल रिज्म की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको आपको याद भी रखना होगा। आगे बात करते हैं फाइनल रिज्म की कि फाइनल रिज्म हमारा कब होता है। लेसी ने बताया कि सबसे पहले इनिशियल रिज्म आता है और उसके बाद आता है फाइनल रिज्म, यानी कैनाल में जब पानी फ्लो होता है तो सबसे पहले कैनाल अपने आप को इनिशियल रिज्म में लेके आती है जिसमें बेड स्लोप इंक्रीज होता है और डेप्थ इंक्रीज होती है लेकिन विड्थ ऑफ चैनल में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ये तो हो गया हमारा इनिशियल रिज्म, लेकिन फाइनल रिज्म में पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि इन द फाइनल रिज्म आफ्टर बेड स्लोप इंक्रीज, आफ्टर यहां पर हम क्या लिखेंगे, आफ्टर बेड स्लोप इंक्रीज, क्योंकि ये तो हो चुका है, आफ्टर बेड स्लोप इंक्रीज एंड डेप्थ ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर बेड स्लोप इंक्रीज एंड डेप्थ ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि जो हमारी डेप्थ और बेड स्लोप इंक्रीज हो चुका है उसके बाद द विड्थ ऑफ चैनल इज ऑल्सो, यानी विड्थ ऑफ चैनल एडजस्ट इज विड्थ ऑफ चैनल ऑल्सो एडजस्ट एडजस्ट एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। ध्यान से समझेंगे इसको तो देखें जरा यहां पर हमारा क्या होता है कि जब हमारा फाइनल रिज्म क्या है, फाइनल रिज्म में अगर हम बात करें तो बेड स्लोप और डेप्थ तो हमारी ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है किसमें, इनिशियल रिज्म में, लेकिन फाइनल रिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेड स्लोप इंक्रीज के बाद डेप्थ स्लोप इंक्रीज होने के बाद हमारी जो चैनल की विड्थ है वो विड्थ भी एडजस्ट होने लगती है, उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलने लगते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जितनी जरूरत होती है कैनाल खुद ही उसको एडजस्ट कर लेती है। तो ये हमने सीखा फाइनल रिज्म के बारे में कि फाइनल रिज्म क्या है। तो ओवरऑल हम यहां पर देखें इसका रीजन क्या है, अब हमें यहां पर रीजन भी लिखा हुआ है मैंने कि फाइनल रिज्म का रीजन क्या है। तो देखो रीजन इसका तो हम समझ चुके हैं, इसका तो जो रीजन यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो मैं पिछली टॉपिक पर भी रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमें सिर्फ यहां पर ये देखना है कि आखिर विड्थ ऑफ चैनल क्यों हमारी एडजस्ट होने लगी। तो यहां पर हम लिखेंगे रीजन ये है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर साइड इरोजन अकर्स, यानी साइड इरोजन होने लगता है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर साइड इरोजन अकर्स, यानी हमारा जो साइड में जो इरोजन है वो अकर होने लगता है और डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कोहेसिवनेस, यानी कि हमारा जो कंटिन्यूअस फ्लो अटैक हो रहा है तो हमारा साइड भी क्या होती है, साइड में भी हमारा इरोजन होने लगता है। तो यहां पर हमने लिखा ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर साइड इरोजन अकर्स, यानी कि हमारा जो साइड के बारे में अभी हमने बात कही कि साइड में हमारी कोहेसिवनेस की वजह से यहां पर इनिशियल रिज्म में जो हमारी साइड नहीं कट रही थी लेकिन इसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है लगातार, क्योंकि इनिशियल रिज्म तो आ गया फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमारा फाइनल रिज्म में आ रही है कैनाल, तो फाइनल रिज्म में आएगी तो लगातार फ्लो हो रहा होगा, तो लगातार फ्लो होने की वजह से क्या होगा ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर साइड इरोजन अकर्स इन सॉइल, यानी सॉइल में हमारा क्या होगा साइड इरोजन होने लगता है, इसकी वजह से हमारी विड्थ भी चेंज हो जाती है। तो यहां पर हम ये बात करेंगे कि फाइनल रिज्म में हमारा क्या बात करेंगे, फाइनली हम बात करेंगे कि फाइनल रिज्म में हमारी बेड स्लोप और हमारी जो डेप्थ है और जो हमारी विड्थ ऑफ चैनल है ये तीनों क्या होती है हमारी एडजस्ट हो जाती है और हमारी चैनल की इस स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं हम फाइनल रिज्म कहते हैं। तो यहां पर हम फाइनली लिखते हैं यहां पर एक बात क्या कि फाइनल रिज्म में
फाइनल रिज्यूम में बेड स्लोप कॉमा डेप्थ कॉमा विड्थ ऑफ बेड ऑफ चैनल, यानी कि फाइनल रिज्यूम में बेड स्लोप डेप्थ एंड विड्थ ऑफ चैनल कैसी हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, और इस स्टेबिलिटी को एंड दिस स्टेबिलिटी इज नोन एज फाइनल रिज्यूम, यानी इसी स्टेबिलिटी को, इसी स्थायित्व को हम क्या कहते हैं, फाइनल रिज्यूम के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल रिज्यूम क्या है और हमारा इनिशियल रिज्यूम क्या है, जो कैनेडी ने बताया था उस रिज्यूम में और जो लेसी ने बताया उस रिज्यूम में कितना अंतर हमें देखने को मिला। आगे अगर हम बात करें कि फाइनल रिज्यूम में एक नोट है कि फाइनल रिज्यूम में आती है तो हम जानते हैं कि कैनाल हमारी ट्रेपेजियम शेप की बनाई जाती है, ऐसा कैनेडी ने भी बताया था कि कैनाल हमारी ट्रेपेजॉइडल यानी समलंबाकार आकृति में बनाई जाती है, लेकिन लेसी ने बताया कि जब चैनल हमारी क्या होती है, इनिशियल रिज्यूम की बात फाइनल रिज्यूम में आती है तो फाइनल रिज्यूम में आते आते उसकी प्रॉपर्टी होती है सेमी एलिप्स यानी कि दीर्घ अर्ध दीर्घ वृत्त बनने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। यहां पर हम लिखेंगे कि फाइनल रिज्यूम में ध्यान से समझना है इस पॉइंटों को, एक एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइनल रिज्यूम में चैनल कैसी आती है हमारी, सेमी एलिप्स बनने की टेंडेंसी रखती है, सेमी एलिप्स यानी कि फाइनल रिज्यूम में चैनल सेमी एलिप्स सेक्शन में आने की टेंडेंसी रखता है यानी कि प्रवृत्ति रखता है। ये हमने बात करी कि फाइनल रिज्यूम में चैनल कैसा आएगा, सेमी एलिप्स, इंपॉर्टेंट वर्ड, सेमी एलिप्स सेक्शन में आने की टेंडेंसी रखता है। अब ये जो सेमी एलिप्स बनेगा वो डिपेंड करता है सॉइल में, जो हमारे चैनल में जो वाटर फ्लो हो रहा है उस वाटर की जो सिल्ट प्रॉपर्टीज है वो कैसी है। तो देखें जरा यहाँ पर, इन केस ऑफ कोर्सर सिल्ट, अगर सिल्ट कैसी है, कोर्सर है यानी मोटी सिल्ट है, तो आप जानते हैं अगर मोटी सिल्ट होगी तो क्या होगा, तो अगर मोटी सिल्ट होगी, ध्यान से देखना है आपको, अगर मोटी सिल्ट होगी तो उसको हम किस तरीके समझेंगे, देखें अगर मोटी सिल्ट होगी तो तली पर हमारी सेडिमेंट ज़्यादा होगी तो हमारा जो तली पर यहाँ पर बैठती चली जाएगी और हमारा चैनल इस तरीके से सेमी एलिप्स शेप में बनने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो देखें यहाँ पर हमारा किस में आया है कि इसमें जो हमारी विड्थ ऑफ चैनल है वो इंक्रीज हो जाती है बट डेप्थ डिक्रीज, तो यहाँ पर हम कहेंगे इन केस ऑफ कोर्सर सिल्ट डेप्थ डिक्रीज, यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, डेप्थ डिक्रीज बट विड्थ इंक्रीज यानी इन केस ऑफ कोर्सर, ये दो टर्म आपको याद रखने कि कोर्सर सिल्ट अगर पानी में बह रही है यानी कि मोटी सिल्ट अगर पानी में बह रही है तो उस केस में जाहिर सी बात है वो तली पर बैठती जाएगी। तली हमारी देखें अभी इस तरीके है, फिर ऐसे इस तरीके से होती चली जाएगी। ध्यान से समझे, हमारी जो तली है अगर बैठ इस तरह से है तो अगर यहाँ पर हमारा सेडिमेंट होने लगा, यानी सिल्ट लगातार सेडिमेंट होने लग जाएगी, बैठने लग जाएगी, तो क्या होगा, हमारा जो चैनल इस तरीके का है वो चैनल हमारा इस तरीके से फैलने लगेगा, तो साइडों से चौड़ी हो जाएगी यानी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी बट डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी किसके, इन केस ऑफ कोर्सर सिल्ट एंड चैनल शेप आप देखेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब आगे बात करें इन केस ऑफ फाइनल सिल्ट के बारे में। फाइनल सिल्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेप्थ तो जो है वो कैसी होती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है, डेप्थ इंक्रीज एंड विड्थ डिक्रीज हो जाती है। कैसे बन जाएगा चैनल हमारा, देखें चैनल हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा इस तरीके से हमें चैनल देखने को मिलेगा, यानी विड्थ तो डिक्रीज होगी पर डेप्थ हमारी कैसी होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, कब, जब सिल्ट हमारी फाइनल है तब हमारा ये हमें देखने को मिलेगा। अब देखें एक वर्ड है यहाँ पर, सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको भी कि सिल्ट चार्ज क्या है और सिल्ट ग्रेड क्या है, वहाँ पर ट्रिज्म में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें आगे अब बात आती है ट्रिज्म क्या है, इनिशियल रिज्यूम हो गया, फाइनल रिज्यूम हो गया, ट्रिज्म क्या है,
ट्रूरिज्म की अगर हम बात करें तो ट्रूरिज्म में देखेंगे जरा यहाँ पर कि यदि किसी चैनल में ऐसा चैनल जिसमें डिस्चार्ज इज कॉन्स्टेंट, ध्यान से देखेंगे डिस्चार्ज इज कॉन्स्टेंट, दूसरा सिल्ट ग्रेड इज कॉन्स्टेंट, दूसरा सिल्ट चार्ज इज कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट फ्लो इज कॉन्स्टेंट, यानी ऐसा चैनल जिसमें हमारा डिस्चार्ज फ्लो एंड फ्लो इज कॉन्स्टेंट हो जाए और फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए, कैसा फ्लो यूनिफॉर्म, फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए, फ्लो कॉन्स्टेंट ना होकर यहाँ पर लिख देते हैं फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए, फ्लो यूनिफॉर्म, फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए। तो देखें जरा यहाँ पर कि यदि किसी चैनल में हमारा डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाए, सिल्ट ग्रेड कॉन्स्टेंट हो जाए, सिल्ट चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाए, फ्लो यूनिफॉर्म हो जाए, ऐसा चैनल जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस चैनल को हम कहते हैं ट्रूरिज्म चैनल। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली ऐसा चैनल हमारा नहीं होता है, तो ये हमने देखा इसमें। तो देखें जरा यहाँ पर, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्रूरिज्म प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ट्रूरिज्म, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बात, ट्रूरिज्म प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बात आई इसमें कि सिल्ट ग्रेड क्या है, सिल्ट चार्ज क्या है, उसको अगर हम देखें तो सिल्ट ग्रेड का मतलब क्या है, देखें सिल्ट ग्रेड का मतलब है टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट, साइज ऑफ सिल्ट, यानी सिल्ट ग्रेड का मतलब क्या है, सिल्ट किस टाइप की है और किस साइज की है, वो उसे कहते हैं हम सिल्ट ग्रेड, जो कि कॉन्स्टेंट बना रहा है ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। दूसरा सिल्ट चार्ज क्या का मतलब क्या है, सिल्ट चार्ज का मतलब है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं इसे हिंदी में, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट, यानी सिल्ट चार्ज का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ, यानी सिल्ट की मात्रा पानी में कितनी ज़्यादा है, सांद्रता और तनुता डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन हम जानते होंगे, तो वही हमारा कि कितनी ज़्यादा मात्रा, जितनी ज़्यादा मात्रा होती चली जाएगी सिल्ट कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा पानी में, ठीक है। ये तो ये थी हमारी बात जिसमें आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियल रिज्म में आपको याद रखना है ये दो पॉइंट, तीसरा हमें बात करना है फाइनल रिज्म में, फाइनल रिज्म में हमें याद रखना है कि बेड स्लोप और विड्थ और चैनल सारा हमारा वेरी करता है और स्टेबल हो जाता है, और फाइनल रिज्म में हमारे ट्रू रिज्म में हमने ये बात करनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। यहाँ पर आप देखें सब कुछ कॉन्स्टेंट ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ हमारा चैनल में कॉन्स्टेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, तो अगर होता है तो ट्रू, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की एक डिटेल्ड कंटेंट के साथ विद रीजन। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे लेसिस थ्योरी के बारे में। धन्यवाद।